अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीके अलर्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान तुर्की के साथ दुनिया का वो वाहिद मुल्क है इस्लामी जो इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ खुलकर खड़ा है और अपनी फौज भी फ़लस्तीन में भेजने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली के अंदर खिताब करते हुए कहा कि वो आज रात को तुर्की के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर वह तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे और वहाँ पर तुर्की के अंदर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद होंगे और सूडान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद होंगे और फिर वहाँ से ये चारों वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सेशन का मुतालबा करेंगे और फिल फोर सेशन बुलाने का मुतालबा करेंगे और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। ये चारों वज़ीर ख़ारजा तुर्की से सीधे अमेरिका यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के सेशन के लिए जाएंगे और फ़लस्तीन के हवाले से वहाँ पर बात करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए हर किस्म के हालात के लिए तैयार है और अगर OIC फैसला करती है अपनी फ़ौजें भेजने के लिए तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है।